अब चलते हैं फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं कि फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज किसे कहेंगे, कितने हैं, उनके यूनिट्स कौन कौन से हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर आपको पता है तो आप वीडियो पॉज करके इसका जवाब दे सकते हैं, और अगर नहीं पता है तो सुनिए। फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज, जैसे कि नाम से ही झलक रहा है, फंडामेंटल है, बेसिक है, बेस मतलब समझ रहे ना, बेसिक है ये नेचर में, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। दोस क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी क्वांटिटी, वैसे क्वांटिटी जो फंडामेंटल हो नेचर में, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, एक दूसरे के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं हो, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ओवरऑल कह सकते हैं कि दोस क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट, जो किसी पर डिपेंड नहीं करते हो सीधे सीधे। और ये साथ कौन कौन से हैं, लेंथ, लेंथ को हम लोग नापते हैं किसमें, इसका यूनिट क्या है, मीटर, इसका सिंबल क्या है, स्मॉल एम से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। दूसरा क्या है, मास, इसको हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं, और इसका जो सिंबल देते हैं इसका, यानी इसका यूनिट है जो है वो केजी, और इसका सिंबल जो है स्मॉल के, स्मॉल जी। तीसरा आता है उसके बाद टाइम, टाइम को हम लोग सेकंड में नापते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में यही है, उसके लिए हम स्मॉल एस या SEC का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग एम्पेयर में मेजर करते हैं, जिसका सिंबल है कैपिटल A, और इसका नाम जो यूनिट जो दिया गया है, ये मात्रक दिया गया है, ये एंड्री मैरे एम्पेयर के नाम पे दिया गया है, और एंड्री मैरे एम्पेयर के बारे में मैंने पहले जिक्र कर दिया है, अगर क्लास 10 के बच्चे की बात देख रहे हैं तो। उसके बाद थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, या सीधे सीधे क्या है, टेम्परेचर को नापने के लिए आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं ना, डिग्री सेल्सियस में या फारेनहाइट में नापते हैं, बुखार अगर नापना हो तो फारेनहाइट में, इस और जिसका टेम्परेचर नापना हो तो डिग्री सेल्सियस में, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में एक डाल दिया गया, एक मात्रक केल्विन डाल दिया, ठीक है, जिसका वैल्यू अगर हम बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पर 273.16 या 159 कह सकते हैं, 273.159 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस पर, और जैसे जैसे 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाएगा, इसी 273.16 में या 273 अगर आसानी के लिए बोले तो, उसमें हम 1, 2, 3 करके जोड़ते चले जाएंगे तो वो हमारा क्या होगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री सेल्सियस से। अगर आप क्लास 9th के बच्चे हैं तो ये सब चीज अब तक सीख चुके हैं, क्लास 8 में भी सब चीजें सिखाई जा चुकी होंगी, अगर उसे नीचे के हैं तो आप नहीं जानते होंगे बात, क्लास 10th के बच्चे भी जानते होंगे इंशाल्लाह, और क्लास 11th 12th उसके ऊपर वाले भी, ठीक है। तो आगे बात है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा केमिस्ट्री में भी हेल्प मिल जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी चीज की, कोई सब्सटेंस जो है उसका मात्रा कितनी, ठीक है, अगर हम सब्सटेंस बोलते हैं तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ स्पेस वो लेता है, कुछ ना कुछ उसका मास होता है, अगर सब्सटेंस होते हैं तो उसी कंडीशन में अगर एक सिंबल दिया गया कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को भी अगर हम मेजर करना चाहें नंबर के फॉर्म में, तो मोल के फॉर्म में इसको नापते हैं, MOL, शॉर्टकट में MOL लिखते हैं, और ये इसको एक नंबर दिया गया है 6.02×10^23, इसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, इसको एवोगैड्रो ने दिया था, एमिडियो एवोगैड्रो, एक्चुअली उनका पूरा नाम था अमीडियो कार्लो अवोगैड्रो डी क्वारेरा एडी कैरेटो, जो कि आपको केमिस्ट्री के 11th क्लास के बुक में मिलेगा, जब आप अगर आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, आमतौर पर इंटरनेट पर भी इनका नाम नहीं दिया होता है। फिर से सुने, अमीडियो कार्लो अवोगैड्रो डी क्वारेरा एडी कैरेटो इनका पूरा नाम था, ये मैंने अगर क्लास 10 के बच्चे होंगे तो उनसे मैंने सवाल पूछा था, कुछ बच्चों ने जवाब दिया है मतलब, लेकिन दो वर्ड में जवाब दिया है। आगे बढ़ते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं, आखिरी जो 7वां पॉइंट है इसका, यानी 7वां यूनिट है फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज जो है, तो उसमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब लाइट की इंटेंसिटी, ल्यूमिनस मतलब लाइट के बारे में बात हो रही है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है उसके बारे में बात की जाती है, और इसको नापते हैं हम लोग कैंडेला से, इसको और सिंपली इसका एक फॉर्म दिया जाता है CD, शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल C, स्मॉल D, ठीक है। कैंडेला, इसको याद रखने का एक तरीका ये है कि C फॉर कैंडेला भी है, और C फॉर जो कैंडल होता है, कैंडल से लाइट निकलती है, और उससे इंटेंसिटी हम लोग याद रख सकते हैं, ये याद रखने का तरीका है। इसके अलावा दो सप्लीमेंट्री जो पूरक, हिंदी में कहते हैं उसको पूरक, पूरा करने वाला आता है, एक आता है प्लेन एंगल, एक आता है सॉलिड, ये चीजें आपको शायद कोई बताए ना बताए, मैं पूरी तरह से आपको डिफाइन करता हूँ इस चीज को। देखिए आप एंगल नापते, जैसे कि मैं सिंपली ऐसे दिखा रहा हूँ, ये 90 डिग्री का एंगल आपको हो सकता है, कोई दिख रहा होगा, ठीक है, या ये मैं कह सकता हूँ 45 डिग्री का, तो इसको मैथमेटिक्स में जब मेजर करते हैं, जब आप क्लास 11th में जाएंगे, मैथमेटिक्स वाला चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर ही आई थिंक उसमें एमसीक्यू के बारे में पढ़ाया जाता है, वहाँ पे एंगल वगैरह के बारे में, तो रेडियन है वहाँ पे सिंपल एंगल के लिए, प्लेन एंगल के लिए, और जिसको एक सिंबल है जिसको RAD से, स्मॉल R, स्मॉल A, स्मॉल D से डिनोट किया जाता है, और एक है जो कि आपका है सॉलिड एंगल, यानी 3D एंगल, ऐसे कुछ इस तरह से, आप देखिए यहाँ पे अलग अलग, अगर मैं इस तरह से ट्राइंगल बनाऊँ, आप ऐसे कर सकते हैं ना कि ये चीज देख सकते हैं आप इस तरह से, इसमें 3D में, या अगर मैं ट्राइंगल बनाऊँ अपनी उंगली से, तो यहाँ पर इसके बीच में एंगल और इसके बीच में एंगल
बन रहा है, ये तीनों एक दूसरे के साथ एंगल बना रहा है, तो ये 3D में एंगल हो गया, उसको स्टेरेडियन में नापते हैं और उसका सिंबल होता है SR। ये सब चीजें मैं ऊपर में लिखाई जा रही होंगी, इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज इतनी ही थे। अगले वाले जैसा कि हम लोगों ने देख लिया फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज के बारे में, और कुछ जो साथ थे उसके बाद दो एक्स्ट्रा वो भी देख लिया, और ये भी देख लिया कि वो फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक इसका उल्टा है डिराइव क्वांटिटीज, जैसा कि नाम से ही जाहिर है डिराइव, ये डिराइव किया जाता है किससे, फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज आपस में मिल करके एक डिराइव क्वांटिटी बनाते हैं, या दो अलग अलग डिराइव क्वांटिटीज मिल करके भी डिराइव क्वांटिटीज बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं अगर बोलूं कि हम तो जानते हैं लेंथ के बारे में, लेंथ जो है एक फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज और टाइम भी फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज है, लेकिन लेंथ और टाइम को अगर मिला दिया जाए तो क्या कोई डिराइव क्वांटिटी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे कि स्पीड है, स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, कितना डिस्टेंस तय किया गया, इसमें कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, मगर पता तो चल आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो कितना डिस्टेंस तय किया और कितने टाइम में तय किया है इससे पता चला। इसमें यहाँ पे लेंथ में कितना डिस्टेंस के लिए यानी लेंथ के लिए हम लोगों ने मीटर का इस्तेमाल किया और टाइम के लिए सेकंड का इस्तेमाल किया, दोनों का इस्तेमाल हुआ फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज का और दोनों मिला के एक नया क्वांटिटी निकल गया जिसको कहेंगे हम लोग स्पीड। ठीक इस तरह से वेलोसिटी के बारे में बोल सकते हैं, वेलोसिटी का सेम डेफिनेशन है लेकिन बस एक फर्क आ रहा था इसमें कि वेलोसिटी में हम लोग डिस्टेंस ना बोल के डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब ये है कुछ दूरी तय की गई हो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट यानी एक किसी खास डायरेक्शन में दूरी तय की गई हो और कितने टाइम में, तो इसका भी मीटर पर सेकंड ही होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, या डिस्टेंस ना बोल के ज्यादा बेहतर है डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे क्योंकि एक्चुअली डायरेक्शन इसके साथ। और देखिए यहाँ पर भी एक और नया कंसेप्ट आ जाता है कि वेक्टर और स्केलर का, स्केलर की बात आ जाती है, तो यहीं पर मैं इस चीज को डिफाइन करके खत्म करता हूँ कि जिसके पास डायरेक्शन हो वो वेक्टर है और जिसके पास डायरेक्शन ना हो वो स्केलर है, और वेक्टर से जो निकलेगा आप देखिएगा जो वेक्टर से बन के निकलता है आमतौर पर वो वेक्टर ही होता है। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं कि एक्सेलरेशन के बारे में, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है आपको अगर पता है तो आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर दें उसको बता के पढ़ें। ठीक है, उम्मीद है कि कुछ लोग आंसर दिए होंगे, अगर आपने लोगों ने आंसर दिया है तो अगले वीडियो में उनके कमेंट्स दिखाए जाएंगे इंशाल्लाह। तो एक्सेलरेशन होता है उसका जो अगर हम बोलेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। आप और मैं देख सकते होंगे कि वेलोसिटी का तो पहले मीटर पर सेकंड और फिर पर यूनिट टाइम, मतलब उसके नीचे फिर सेकंड, तो ये जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए आप एक फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज यानी सेकंड को लेकर के और एक डिराइव क्वांटिटीज यानी वेलोसिटी को लेकर के, मीटर पर सेकंड को लेके एक फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी दोनों को मिला के एक नया डिराइव क्वांटिटी बना सकते हैं। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात करते हैं फोर्स के बारे में, बात करते हैं फोर्स बराबर क्या होता है, मास का प्रोडक्ट एक्सेलरेशन के साथ। हालांकि ज्यादा बेहतर होता है कि मास और एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं तो क्या कहते हैं हम लोग, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो अगर हम मास इनटू वेलोसिटी करते हैं, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को कहते हैं मोमेंटम और टाइम को कहते हैं पर यूनिट टाइम, यानी टाइम नीचे में तो रहेगा ही, तो क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ऐसी ही डेफिनेशन सबसे बेहतर है कि मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है, कितना जल्दी कम टाइम, कितनी कम से कम टाइम में कितना ज्यादा चेंज आ रहा है, मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं इसलिए ताकि आप लोग के दिमाग में घुस जाए, तो ये एक्चुअली फोर्स का डेफिनेशन। तो हम अगर इसको बोलेंगे कि ये डिराइव क्वांटिटी है, बिल्कुल डिराइव क्वांटिटी है। अब मैं बोलूंगा मास के लिए केजी, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम यानी एक्सेलरेशन सिंपली अगर बोले तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कुछ एग्जांपल्स हो गए आपके सामने में ये डिराइव क्वांटिटीज के।